स्वागत है जी आप सबका छोटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज की हमारी वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी मशरूम, और लास्ट वीडियो में था जी चीज एंड कॉर्न। और उस वीडियो में आप लोगों के ढेर सारे कमेंट आए थे कि मशरूम से बनी हुई चीजें लेकर आओ, तो कुछ जो है ना आज मेरे ख्याल से पांच चीजें हमने मंगवा लिया जी। आपको एक एक करके उनकी लुक दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ, अभी फिलहाल जो है ना जी कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही है जिसमें हम दोनों जो है ना एक साथ आके वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो कभी मैं सिंगल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और कभी पंकज बनाएगा, तो उसमें जो है ना आप लोगों का साथ चाहिए। और अभी हम थोड़ा सा बाहर की वीडियो भी शूट करने नहीं जा पा रहे, इसलिए घर की जो वीडियो आ रही है उन्हीं को सपोर्ट कर। सबसे पहली चीज जो हम आपको दिखा रहे हैं जो हम हमारे यहाँ के लोकल वेंडर से लेकर आए हैं जी, मशरूम पैटी। और ये आई है जी 40 रुपए की प्रकाश बेकरी से, ठीक है जी। और पैटी का डिजाइन थोड़ा सा गुजिया लग रही है, हाँ गुजिया टाइप की लग रही है, काफी अच्छी है। कटिंग देख रहे कितनी कमाल की कर रखी है। और इसके अंदर की जी स्टफिंग जो है वो है जी पूरी की पूरी मशरूम की भरी हुई, ठीक है। स्टफिंग कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो टेस्ट देखेंगे। बाकी मसालेदार लग रही है लुक के हिसाब से, बाकी टेस्ट मैटर करता है। हरी मिर्च प्याज मेरे ख्याल से शायद ये भी डाल रखी है चीजें, चलो ठीक है। मात्र 40 रुपए का ये हमारा फर्स्ट आइटम है। सेकंड दिखाते हैं, सेकंड आइटम हमने मंगवाया है जी पिज्जा हट से क्लासिक मशरूम पास्ता, और यह है जी 99 रुपीज का, ठीक है जी। कुछ इन्होंने ये फॉक टिश्यू पेपर और आई थिंक कुछ ये हर्ब्स वगैरह चिली फ्लेक्स दिया है, तो ओपन करते हैं जी। मात्र 99 रुपीस का, मेरे ख्याल से सबसे सस्ता पास्ता जो है ना यही वो है, यही है। तो शक्ल देखिए भाई, अच्छा बढ़िया लग रहा है भाई। हाँ लग तो अच्छा रहा है, लेकिन मशरूम नज़र नहीं आ रहा भाई कहीं पर भी। क्लासिक मशरूम पास्ता, तो मशरूम है भी कि नहीं है? हाँ ये रहे भाई, ये रहे मशरूम के पीसेज हैं, तो ठीक है अच्छा लग रहा है। और पिज्ज़ा हट से आया मात्र 99 रुपीस का, वो भाई नीचे भरा हुआ है, नीचे तो मशरूम काफी अच्छे लेवल में है यार। चलो जी बाकी तो टेस्ट बताएंगे आपको। तो जी थर्ड आइटम हमने मंगवाया है जी पंजाबी अंगीठी से, और ये है जी तंदूरी मशरूम टिक्का। तंदूरी मशरूम टिक्का जी, और प्राइस भी अभी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जी आपको जरा इसकी रंगत दिखा दे। मैंने कहा कुछ जरा आपको मसालेदार चीज दिखाई जाए। ओ भाई शक्ल कैसी है भाई? काफी अच्छा खासा मैरिनेटेड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पीसेस वगैरह जो है कुछ लिखे हुए थे, कुछ 14-15 पीस थे, हाफ पीस कुछ लिखा हुआ, ठीक है। काफी अच्छे मसाले वगैरह नजर आ रहे हैं, काफी अच्छे पीसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा उनको भी जो है ना हाफ या कुछ छोटे मोटे पीस कर रखे हैं, तो ठीक है इजी हो जाएगा। कैप्सिकम अनियन वगैरह है, इसका लिस्टेड प्राइस है 289, डिस्काउंट में आया 206 रुपए का। फोर्थ आइटम हमने मंगवाया है जी शिकागो पिज्जा से, और मशरूम पिज्जा मिल रहा था मात्र 125 रुपीज का, और नाम है पूरा ला मशरूम पिज्जा, ठीक है जी। इसको ओपन करते हैं, आपको जरा पिज्जा की लुक दिखाते हैं कि वो कैसा है। ओ भाई पंकज चीज बड़ा दबा के डाल रखा है यार, है ना, लिक्विड चीज भी डाला हुआ है अच्छा खासा, और ऊपर मोज़रेला भी अच्छा खासा है। बेस भी मैं सही बताऊं तो काफी अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का सा वो है पैन बेस, है ना, पैन बेस है। मशरूम के पीसेस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मशरूम होता है ना नाम कर रखा है, मशरूम के पीसेस यहाँ पर भी है। चलो ठीक है, हर बाइट में मशरूम आएगा। 125 रुपीस के हिसाब से पिज्जे की लुक तो अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट देखेंगे टेस्ट कैसा है। बिल्कुल भाई मेरे को तो देख के ना मन कर रहा है कि मैं खा ही लूँ इसको फटाफट, लेकिन चलो एक साथ चीजें ट्राई करेंगे, लुक वाइज मजा आ गया। लास्ट आइटम हमारा है जी केक पैलेस से, 1985 से जी ये जगह रन कर रही है, और इसके अंदर है जी मशरूम एंड चीज सैंडविच, ठीक है जी। बॉक्स की पैकेजिंग वगैरह काफी अच्छे है, टिश्यू ब्रांडिंग हर चीज में है, चाहे टिश्यू पेपर ले लो, चाहे बॉक्स ले लो, चाहे कवर ले लो। अच्छा टिश्यू पेपर पे भी इनकी ब्रांडिंग सब में है। चलो सैंडविच देखते हैं जी, अच्छा लग रहा है, ठीक है सैंडविच है। और दो इनकी ये मैंने सॉस ये अलग से करी थी क्योंकि डिस्काउंट के लिए, अच्छा मस्टर्ड सॉस और टोमेटो केचप, हाँ दोनों के 3-3 रुपए मैंने पे किए हैं, और इसका लिस्टेड प्राइस है जी 160 रुपए, डिस्काउंट में आया 117 रुपए का। भाई मैं एक चीज खुशी हुई है, जैसे कल वो सैंडविच में आलू शालू सब कुछ था ना, हाँ इसमें जो नाम है, जो नाम है। ओ स्वीट कॉर्न डाल दिया, फिर स्वीट कॉर्न फिर भी डाल दिया इन्होंने यार,
चलो चीज एंड मशरूम लिखा हुआ था तो मुझे खुशी थी, और साइड से देखने यहाँ पे देखो लिक्विड चीज है और यहाँ पे चीज स्लाइस भी लगा रखी है। चलो ठीक है, ये इतना तो फिर भी चलेगा। हाँ, वो जरूरत से ज्यादा था। साइड से देखने में स्वीट कॉर्न मेरे को नजर नहीं आया था, यहाँ से ऐसा लगा कि जैसे सिर्फ मशरूम और चीज ही है। चलो जो भी है जी, पांचों आइटम आपको एक साथ दिखा देते हैं। तो जी ये कुछ पांच चीजें हमने मंगवाई है, पैटीज है, सैंडविच है, मशरूम टिक्का है, पास्ता है मशरूम में, और पिज्जा है जी। सबसे बेस्ट आपको क्या लुक में लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। अब टेस्ट करते हैं, आ जाओ और शुरुआत करने लगे जी मशरूम पैटी से जी, और इसका स्वाद देखते हैं जी कैसा लगता है। टेस्ट करते हैं, आ जाओ। भाई मैं ऐसे ही उठाऊँ तो मेरे को कोई भी फ्लेवर नहीं आए। मशरूम डला जरूर है मगर उसके अंदर कोई फ्लेवर्स वगैरह मसाले इतने खास है नहीं कि कुछ स्वाद पता चले, इसलिए मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं आई। एक ही चीज़ बस इसके अंदर समझ में आई है, एक तो पफ का ऊपर का आउटर लेयर जो समझ में आई है, और अंदर जो है ना जैसे वो जो मशरूम इतना सॉफ्ट होता है, नरम होता है, बस उसके वो उसकी उसी चीज का पता चला है। कोई टेस्ट नहीं, कोई मसाले नहीं, मजेदार फ्लेवर है। सही बात है, मजा नहीं आया इसके साथ। 40 रुपए की पैटी आई है, स्वाद बिल्कुल नहीं लगा। नेक्स्ट आइटम हम ट्राई करने लगे हैं जी पिज्जा हट से जो हमने मंगवाया है मशरूम पास्ता। मशरूम पास्ता इसको ट्राई करने से भाई पहले कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा इंग्रेडिएंट मेन देखना चाहते हो वीडियोस के अंदर। टेस्ट करते हैं जी, आ जाओ। यार ये खा के ना सही बता रहा हूँ मजा आ गया भाई। क्रीमी है एकदम, मशरूम का भी फ्लेवर आ रहा है, हल्का हल्का से मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे ग्रिल टाइप का होता है ना उस टाइप का हो रखा है, और हल्की हल्की सी मिठास भी आ रही है, जैसे पता नहीं कुछ जैसे सॉस वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत मीठापन है। जो भी भाई उन्होंने व्हाइट सॉस वगैरह जो है, एक तो भाई एक पैसे की बिना व्हाइट सॉस में खटास नहीं है, बहुत फ्रेश है एकदम, खाने में जो है ना मजा आ गया। लाइट फ्लेवर्स हैं, थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो साथ में ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स उन्होंने दिया। बाकी पास्ता भी देख रहा था, एक कोई रेड सॉस और है जो शायद 99 का था। हाँ। उसके अलावा सारे 159 169 ऐसे थे। इसका प्राइस भी सही है, क्वांटिटी भी ठीक है, मजा आ गया। 99 पीस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट चीज हम ट्राई करने लगे हैं शिकागो पिज्जा। मैं भाई लुक तो अच्छी है, टेस्ट अच्छा हुआ तो मजा आएगा। मैं कब से ना इंतजार कर रहा था, मैंने कहा इसका नंबर कब आएगा। और सीजनिंग हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर। टेस्ट करते हैं ये। भाई बेस जो है ना काफी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, ऊपर चीज वगैरह भी अच्छा खुला डाला हुआ, मतलब पिज्जा जो है ना कई बार ड्राई ड्राई जो फील होता है ना वैसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा, और मशरूम के भी पीस इतने पीस हैं कि मतलब आपको हर बाइट में एक पीस मिल जाएगा। मुझे काफी अच्छा लगा, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि ऊपर जो है ना मोज़रेला चीज के नीचे लिक्विड चीज भी है, और वो ना मेरे को कई बार डाउट होता है ऐसा कुछ खट्टा हो जाएगा। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना चीज एंड कॉर्न पिज्जा, जरूरत से ज्यादा खट्टा था। अब इन्होंने भी देखो वो लिक्विड चीज यूज किया लेकिन ब्रांड है तो वो खटास गायब हो गई। भाई लास्ट दो चीजें रह गई हैं, एक तो मशरूम तंदूरी टिक्का और एक सैंडविच। पता क्या सैंडविच खाएंगे पहले टेस्ट सैंडविच करना है। चल ठीक है, मेरा सही बताऊं तो मन्ना इसको खाने का कर रहा है। उसके लुक ना बहुत ज्यादा स्पाइसी टाइप के लग रहे हैं, अगर वो खा लेना तो बाकी चीजों के फ्लेवर पता नहीं चलेंगे शायद। चलो ठीक है, टेस्ट करते आ जाओ। भाई फ्लेवर जो है ना काफी लाइट लाइट से हैं, हमने ये लगाई ना मस्टर्ड सॉस तो उसके साथ मेरे को फ्लेवर और ज्यादा अच्छे लगे। सॉस का फ्लेवर जो आ रहा है ना उसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। फ्लेवर्स अच्छे हैं, देखो मशरूम का कोई अपना कुछ खास फ्लेवर तो होता नहीं है, तो जैसे आप उसमें सॉस डालोगे या कुछ करोगे जो मसाले डालोगे उसका फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें बीच बीच में हल्का फुल्का वो स्वीट कॉर्न का भी फ्लेवर आ रहा है, लेकिन भाई कैचअप लगाने के बाद मैं सही बता रहा हूँ इसका फ्लेवर डबल हो गया। डबल हो गया, उसके साथ ही बेटर लगा, अदरवाइज उसके बिना ना काफी लाइट फ्लेवर थे। मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर ना थोड़ा सा चाहे सीजनिंग करते हैं ऑरेगानो वगैरह या कुछ भी लगाते हैं, हल्का सा मसाला होना चाहिए था। बिल्कुल।
लास्ट है जी अपने पास तंदूरी मशरूम टिक्का। अब इसको लास्ट में हमने इसलिए रखा कि जरा स्वाद मसाले फ्लेवर ज्यादा अच्छे आ जाए। टेस्ट करते हैं। एकदम तीखी मसालेदार वो बनी हुई है मैरिनेशन। बाकी मशरूम के कोई ज्यादा खास फ्लेवर नहीं है, हल्का हल्का सा उनका अंदर बाइट लेने में फीका फीका महसूस हो रहा है, आउटर लेयर मसालेदार है। आउटर सही लेयर है, जो हल्की फुल्की से जो तंदूर के अंदर वो जो उन्होंने किया है ना भाई, और जो मैरिनेशन है वो कमाल की है, मजा आ गया। मतलब लास्ट ना हमने इसको जिस पर्पज के लिए छोड़ा था ना कि लास्ट में जो है वो मुंह में काफी अच्छे फ्लेवर्स रह जाए, और अगर ये पहले खा लेते ना तो बाकी पास्ता वगैरह ये सारी चीजें और ज्यादा फीकी लगते, पहले ही इनके फ्लेवर्स लाइट है। ओवरऑल की बात करूं भाई तो पांचों में से सबसे बेस्ट जो है ना भाई ये तंदूरी मशरूम, पास्ता और पिज्जा, ये तीनों चीजें जो है ना आज बहुत कमाल की लगी। मेरा भी भाई बिल्कुल सेम है, एक पैटी बिल्कुल नहीं पसंद आई, बाकी अगर टॉप तीन बोलूं तो मेरे को ये पास्ता पिज्जा और ये मशरूम टिक्का यही पसंद आया। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी भाई प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।